अब उसमें देखो इंग्लिश में वर्ड बुक में पेज नंबर 12 से आज टू फर्स्ट से चालू कर रहे हैं। अब पहला है आंट पुट द ट्रू ट्राइट और फॉल्स, आपको लिखना है आंट पॉली हैड गिवन, आंट पॉली ने दिया था टॉम को द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द रिवर, क्या काम दिया था? फॉल्स, आंट पॉली ने नहीं दिया था उसको। अब जिम वॉज कन्विस्ड टू पेंट द फेंस बाई टॉम, जिम कन्विंस किया था पेंट करने के लिए फेंस बाई टॉम, कन्विंस किया था, यस हाँ कन्विंस किया था। टॉम वॉन्टेड टू गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग अलॉन्ग विद द जिम, हाँ ये फॉल्स है क्योंकि ये नहीं हुआ था। अब अदर बॉय मेड फन किया था टॉम सिंग विद द पेंटिंग द फेंस, ये क्या होगा? ट्रू, हाँ ये हुआ था। फ्रॉम आर द थिंग्स ऑफ द पॉकेट टॉम थॉट दैट कुड योर अनदर बॉय टू पेंटिंग, नहीं इन दिस प्लेस ना, उसने मना कर दिया था। टॉम वॉज वेरी मच हैप्पी, टॉम बहुत खुश था सी ए लार्ज फेंस टू पेंट, ना ये खुश नहीं था। बैन रोजर यूज टू मेक स्ट्रेंज नॉइस, ट्रू बैन रोजर अजीब सा आवाज़ बना रहा था। अब बैन रोजर कुड ऑल्सो प्रोड्यूस, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा था साउंड लाइक डिंगोंग बेल, हाँ ये खुद कर रहा था। बैन रोजर ऑल्सो वर्क ऐसे कैप्टन ऑन द बोट, सही है ये कर रहा था। टॉम लेफ्ट पेंटिंग, टॉम ने पेंटिंग छोड़ दी थी फैंस एज सुन एज ही सॉ बैन रोजर अप्रोच हिम, फॉल्स उसने किसी को अप्रोच ही नहीं किया। टॉम वॉज रेडी टू गिव अप पेंटिंग, टॉम रेडी हो गया था पेंटिंग देने के लिए फैंस को। एंड बैन इफ ऑफर्ड हिम ए पार्ट ऑफ एन एप्पल, फॉल्स ये हुआ ही नहीं था। टॉम शोड मच इंटरेस्ट इन पेंटिंग, टॉम ने दिखाया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग में। एंड फैंस इम्प्रेस टॉम लियोड मेनी बॉयज टू पेंट और द फैंस इन दिस प्लेस, हाँ ये हुआ था। इसके ऊपर का ये हो चुका था, टॉम को इंटरेस्ट था पेंटिंग में फैंस को। अब इसके बाद देखो एवरी बॉय गेव टॉम सम पेंटिंग, किसी किसी लड़के ने पेंटिंग दिया इन ऑर्डर टू गेट वर्क, काम करने के पेंटिंग द फैंस फ्रॉम हिम, सही है ये हुआ था। एट लास्ट द पेंटिंग पेंट विद द टॉम वॉज एक्सिक्यूटेड, हाँ एक्सिक्यूटेड हो गया था। इफ टॉम हैड मोर पेंट, अगर टॉम के पास ज़्यादा पेंट होता ई कुड कलेक्ट मोर थिंग्स फ्रॉम द अदर बॉयज, सही अगर उसके पास ज़्यादा होता तो उसके पास खिलौने भी ज़्यादा होता। अदर बॉयज गिव द प्ले थिंग टू द टॉम अनविलिंगली, नहीं ये अनविलिंगली तरह से नहीं हुआ था। अब जिम कुड नॉट हेल्प टॉम पेंटिंग द फैंस, सही है जिम ने हेल्प कर नहीं पाया टॉम का। अब 19 वाला देख लो, टॉम ऑल्सो गॉट वन टेडी बियर, टॉम को एक टेडी बियर भी मिला था फ्रॉम अलाउिंग ए बॉय टू पेंट द फैंस, नहीं ये नहीं मिला था। टॉम हैड डिस्कवर्ड ए ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, टॉम ने डिस्कवर्ड किया था एक ग्रेट लॉ, हाँ टॉम ने डिस्कवर्ड किया था। अब उसके बाद देखो एक्टिविटी 3 में क्वेश्चन है, टॉम शोड अप ऑन द साइड वॉक विद अ बैकेट ऑफ द व्हाइट लीस एंड ए लॉन्ग हैंडल ब्रश, इसका आंसर क्या है? टॉम गेव द ब्रश, टॉम ने ब्रश दिया था टू बर्न स्लोली धीरे से बेल्ट विथ अंटिल जॉय, बेल्ट विथ अंटिल जॉय इन हिज हार्ट, खुशी से दिया था। टॉम एंड हिज हग वुड हैव गॉन स्विमिंग टू द वेंट वर्किंग, अब ही एंड हग एर प्लेन टू द रेस ड्रॉप, रेस को ड्रॉप करने का था टू द रिवर, रिवर जाने का स्विमिंग के लिए। अब वैन थिंग सीम डार्केस्ट, कब बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, टॉम थॉट एन आइडिया ऑफ द सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टॉम को एक अचानक एक अनुभव हुआ कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एट द डार्क मोमेंट, डार्क मोमेंट में एक वंडरफुल आइडिया केम टू हब, एक डार्क अंधेरे में अंधेरे आकाश के नीचे उसको अचानक एक आइडिया कि ये वो सॉल्व कर सकता है। अब टॉम रिज्यूम हिज वाइट वॉशिंग, अब इसमें क्या आंसर है? टॉम कंटिन्यूड हिज पेंटिंग, उसके बाद उसने कंटिन्यू किया उसका पेंटिंग। अब टॉम स्क्यू टू गिव द ब्रश विथ रेजुलेंस बट हैज एक्चुअली क्वाइट हैप्पी विथ अ मोर पेंट, और पेंट के साथ टॉम वर्ल्ड, तो टॉम का वर्ल्ड सीम हैव रन इन एवरीथिंग, वो बहुत कुछ कर सकता है बिलोंगिंग टू द अदर, दूसरे के साथ मिलके। इफ ही डिडेंट रन, अगर वो नहीं दौड़ा है आउट ऑफ वाइट वॉश के साथ, ही कुड नॉट हैव बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट नहीं होता। एवरी बॉय इन द विलेज, सब बॉय गाँव में, इसका आंसर क्या है? टॉम ऑफर्ड किया था इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने विथ पेंट, पेंट के साथ एंड ब्रश के साथ। अब इसके बाद देखो बड़े क्वेश्चन है, वॉट इज द सोर्स
विद अ फ्यू सेंटेंस ऑन इट। ये सोर्स, सोर्स क्या है? ये सोर्स इज अ राइटिंग, सोर्स एक लिखने का होता है, दैट अबाउट फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल के साथ। व्हेन वी राइट अबाउट ए सोर्स, जब हम एक सोर्स के बारे में लिख रहे हैं, द पार्टिकुलर स्टोरी विल बी योर सोर्स, जो पार्टिकुलर स्टोरी है वो आपका सोर्स होगा। अगेन अगेन वी ओनली, अगेन वी ओनली व्हाट इज द स्टोरी, क्या स्टोरी क्या है, और व्हाट इज द पोएम, पोएम क्या है। इन द वे, इस तरीके से हम लिखेंगे कि सोर्स का मतलब राइट अबाउट अदर, दूसरे के लिए। अब राइटिंग और राइटिंग, लिखना और उसके बारे में लिखना, अबाउट द पीपलेस राइटिंग, पीपलेस राइटिंग में, और राइटिंग अबाउट सोर्स, सोर्स के बारे में, मीन्स मतलब राइटिंग अबाउट अदर आइडिया, दूसरे के आइडिया और उनके ओपिनियन के बारे में लिखना। अब इसमें देख लो, इसमें दिया है टिक द सेंटेंस विच अबाउट द सोर्स, सोर्स में इसमें से कौन सा है जो सोर्स के बारे, और इसमें क्या दिया है फॉर सेंटेंस नॉट अबाउट द सोर्स, इसमें कौन सा सोर्स के लिए नहीं है वो टिक करना है। पहला, वन माइट व्हेन आई पेट्रोलिंग द स्ट्रीट आई सॉ द मैन वेटिंग इन द शैडो, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, सेंटेंस है अबाउट द पॉलिटिशियन, ये सोर्स नहीं है। अब पीपल शुड बी लॉयल ऑन द फ्रेंड एवन इफ द लॉयल्टी माइट बी इन द ट्रबल, ये सोर्स है। अब ड्यूटी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेंडशिप, ड्यूटी हमेशा दोस्ती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ट्रू, ये सोर्स है। अब इन द स्टोरी आफ्टर द 20 ईयर्स ए पुलिसमैन डज द ड्यूटी बट बिट्रेड हर फ्रेंड, ये एक स्टोरी, ये एक सोर्स नहीं है। अब एक्टिविटी 7 देख लो, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज ए न्यूट्रल समरी, इसमें न्यूट्रल समरी क्या है, तो लिखो ए समरी इज द शॉर्ट पीस, एक समरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है दैट टेल द मेन आइडिया, ये बताता है जो उसका मेन आइडिया है ऑफ द ऑथर, ऑथर का, ऑफ ए सोर्स, सोर्स के बारे में। वन ए सोर्स, वन काइंड इज ए समरी, समरी है इसे न्यूट्रल, न्यूट्रल है समरी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आइए क्वेश्चन का आंसर क्या है, द पुलिसमैन इन द स्टोरी, जो पुलिसमैन इन द स्टोरी सीज क्या देखता है, सस्पिशियस स्ट्रेंजर, एक सस्पिशियस स्ट्रेंजर खड़ा है एट द स्ट्रीट रोड के ऊपर एंड स्टेप टू वॉक, और उसकी तरफ वो बढ़ता है, ठीक है। अब उसमें दूसरा देखो, क्वेश्चन 2 में आंसर क्या है, द स्टोरी बींग, ये जो स्टोरी है बींग है विद ए कंजर्वेशन, एक कंजर्वेशन हुआ था बिटवीन ए पुलिसमैन, एक पुलिस वाले का और एक इंसान के बीच में, जो वेटिंग कर रहा था आउटसाइड रेस्टोरेंट के बाहर फॉर ए फ्रेंड, एक दोस्त के लिए, हुम इजंट सीन इन द 20 ईयर, 20 साल थे जिसने उसको देखा नहीं था। अब क्वेश्चन 3 देख लो, द स्टोरी स्टार्ट व्हेन ए पुलिसमैन क्वेश्चन, स्टोरी शुरुआत हुआ था जब पुलिसमैन सवाल जवाब करवा था वो इंसान से जो स्ट्रीट में खड़ा था और वो दोस्त की इंतजार कर रहा था। अब उसके बाद क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन 1 का, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द चाइल्ड कैरेक्टर्स, ये लिस्ट कैरेक्टर का लिस्ट है, फॉर्म इन द स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉइस एडमिन, टॉम सॉयर जो था, जिम, आंट पॉली, बेन रोजर, हॉक, बिल फिशर, ये बिल फिशर थे एंड ए जेनी मिलर थे। अब व्हाट इज ए चिन कैन, और गिव द फॉर्मेट ऑफ चिन क्वेन, चिन क्वेन, अब उसके बारे में लिखा है, ए चिन क्वेन इज ए काइंड ऑफ द पोएम, एक पोएम का काइंड है, दैट हैज लिव लाइन, जिसमें इनसे लाइन जिंदा है, एंड ए वेडिंग पैटर्न, जो एक वेडिंग पैटर्न की तरह है, द पोएम इज स्लोली अबाउट द कैरेक्टर, जो पोएम है वो स्लोली एक कैरेक्टर है, पोएम का कैरेक्टर बता रहा है, नॉट अबाउट द स्टोरी एज ए सोर्स, वो सोर्स के बारे में नहीं बता रहा है, वो कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। अब इसके बाद देख लो पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द रिफ्रेशिंग ऑफ द सोर्स, अब रिफ्रेशिंग सोर्स किसको बोलेंगे, सीन्स ए समरी इज अबाउट, समरी इज अबाउट ए सोर्स, ये समरी जो है सोर्स के बारे में, द समरी नीड, समरी को नीड है टू टेल विच सीम्स यू, इसमें आपको क्या दिखता है, एंड राइटिंग अबाउट, ये आप क्या लिखे हो, वी कॉल दिस रिकॉइंग द सॉल्व सोर्स, ये हम सोर्स को रिकॉर्डिंग करें, यू कैन आइडेंटिफाई, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो सोर्स को विद द टाइटल ऑथर्स, ऑथर्स के लिए नेम। अब एडोप ऑफ द पब्लिकेशन, जो एडोप था पब्लिकेशन का, फोर का पब्लिकेशन था एक्सेट्रा, यू डिड, यू डोंट नीड, आपको ज़रूरत नहीं है टू पुल इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन उठाने की, यू ओनली नीड टू पुट एनफ, आप इसमें जितना लिख सकते हो उतना ही खाली लिखना। अब सेकंड में देख लो, इसमें क्या लिखना है, द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर रिटर्न बाय द ओ हेनरी टेल्स, ये आपको ब्रैकेट भरना है। अब मेक पैटर्न्स, आपको पैटर्न बनाओ रिमेनिंग 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस के साथ पैटर्न बनाओ,
अब पहला आपने बनाया, इसमें एग्जांपल दिखा देता हूँ। हेनरी इज़ द स्टोरी, हेनरी इज़ एक स्टोरी है जो 20 इयर्स पब्लिश हुआ 1922 के टाइम। अब इन 1922 स्टोरी ऑफ ओ हेनरी 20 ईयर रिवल्स, ये वापस आया। अब इसमें क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रू है फॉल जैसा है। इन ओ हेनरी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर पुलिसमैन मूव्स इन द स्ट्रीट चेकिंग द डोर्स अंटिल यू सी, ये सही था नहीं, ये ईयर नहीं हुआ था, खाली वो इंसान के तरफ जाके पूछने लग गया था जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर इज ए टिपिकल ओ हेनरी स्टोरी, सही है। वर्क इन द एंडिंग सरप्राइज, इसका एंडिंग जो था एक बहुत सरप्राइज था, सही है। द रीडर ऑफ द मेन कैरेक्टर, जो रीडर था मेन कैरेक्टर का, सही है, ट्रू आएगा। अब इसमें क्या दिखा, राइट द मार्क ट्विन आइडिया और स्ट्रॉन्ग डिजायर, राइट एक्शन उनका आइडिया के बारे में लिखो। अब इन दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी में स्ट्रॉन्ग डिजायर जो थे, वॉइस एक्शन मार्क जो थे, ट्वेंटेलस हमको बता रहे टू ड्रेक ऑफ द टॉम स्वेयर, टॉम स्वेयर के हु डिस्कवर, उसने डिस्कवर किया था हाउ मैन डिजायर टू गेट थिंग, आदमी को कैसे अपने चीज़ मिलता है, दैट आर नॉट ईजी टू गेट, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता, वो हमेशा उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। ठीक है, आज का चैप्टर यहाँ तक, बाकी का कल, सेकेंड चैप्टर कल।